पूरा नहीं तो चेहरे गजारे गोरिये शुरू कर तो गाइज जैसे कि अभी अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल वीडियो देखी है और अभी आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पीछे भी देख रहे हैं गाइज ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। इस वीडियो को एडिट करने का बिल्कुल आसान मेथड बिल्कुल इजी मेथड मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी आपको नहीं करना है, ओके। बस 2-3 मिनट की हमारी ये वीडियो होगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी मेथड से आप अपनी रील्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए डेली वायरल से वायरल रील्स की एडिटिंग लाते रहता हूं। सो गाइज अब मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपको पता है कि आपको अपने फोन के अंदर एक VPN को कनेक्ट करके रख लेना होता है। सो मैंने पहले से ही एक VPN को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सो आपको भी अपने फोन में कनेक्ट कर लेने देन उसके बाद हम अपने फोन के अंदर कैपकट ऐप को डाउनलोड करके रख लेना है। अभी हमें कैपकट ऐप्स का कुछ भी नहीं करना है। सो हमने जो है कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लिया है और VPN कनेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली गाइज हमें जाना है क्रोम ब्राउजर पर, ठीक है, क्रोम ब्राउजर पर या गूगल क्रोम पर कोई भी, आपको एक क्रोम ओपन कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर एक लिंक है और मैं यहाँ पर एक वो लिंक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एक ये लिंक पेस्ट की है और ये लिंक जो मैं पेस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ये लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, ओके। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सिंपली यहाँ पर आपको यूज टेम्पलेट इन कैपकट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सर्चिंग होना चालू हो जाएगा। आपने जो रील देखी है वो यही रील ट्रेंडिंग पर चल रही है, ओके। सो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर ये फिल्टर आ चुका है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये वही फिल्टर है जो हमने इंस्टाग्राम पर देखा है, ठीक है। सो अब हम सिंपली यूज टेम्पलेट पर यहाँ कॉर्नर में ब्लू वाले टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जिस वीडियो की आप अपनी रील को एडिट करना चाहते हैं। थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगा जल्द ही, थोड़ा नहीं गाइस 3-4 मिनट यहाँ पर लग जाते हैं। आपको स्किप या फिर फोन को नहीं काटना है, थोड़ा वेट कर लेना है। सो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। सो गाइज फाइनल जो वीडियो है वो मेरी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। मुझे यहाँ पर 6 मिनट लग चुके हैं इसकी प्रोसेसिंग चलने में, ठीक है। सो आपको भी वेट करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो मेरी यहाँ पर वीडियो बन चुकी है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने अभी इसकी वॉल्यूम कम कर रखी है। अब हमें इसे गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर सिंपली ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क या सिंपल आपको वाटरमार्क के साथ एक्सपोर्ट करनी है। सो हमें वाटरमार्क नहीं ऐड करना है, सिंपली एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पर हम क्लिक करते हैं और हमारी वीडियो कुछ ही मिनटों के अंदर वीडियो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। अब हमें वो साउंड कैसे लगाना है जो साउंड इंस्टाग्राम पर वायरल चल रहा है, ओके। सो बस हम इस वीडियो को यहाँ पर जल्द से सेव कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो साउंड कैसे लगाना है। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक गाइस सबसे पहले कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ओके, क्योंकि मैं आपके लिए ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग लाता रहता हूं। सो थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली हमारी जो वीडियो है वो गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसे बिल्कुल साइड से यहां से गाइस अपने रिसेंट से भी निकाल देते हैं। निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने फोन के अंदर कैपकट ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास VN ऐप है तो VN को भी आप ऐड कर सकते हैं। और मैं सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, वही वीडियो जो मैंने अभी सेव किया है उस वीडियो को मैं यहाँ पर गाइस ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद मुझे वो साउंड लगाना है तो सिंपली मैं यहाँ पर ऐड ऑडियो पर क्लिक करूंगा। एड ऑडियो पर क्लिक करने के बाद मेरे पास वीडियो है जिसकी मैं साउंड निकालने वाला हूँ, तो नीचे एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करने के बाद गाइस ये वो साउंड है जिसकी मैं यहाँ पर साउंड यूज करने वाला हूँ। एड पर क्लिक करना है, जैसे ही मैंने एड पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है गाइस वो साउंड लग चुका है। अब मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ओ गाइस मैंने जो यहाँ पर वीडियो अपनी बनाई थी इस वीडियो पर क्लिक करके मैं इसकी साउंड को गाइस जीरो कर लेता हूँ पहले से। गाइस यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं, मैंने इसको म्यूट कर दिया। अब हमारे देखते हैं, सो गाइज आपने देखा काफी ज्यादा प्रोफेशनल रील एडिट हो चुकी है। आपको बीच में आवाज नहीं आया होगा क्योंकि मैंने कॉपीराइट के इश्यू से साउंड को कट कर दिया था, बट
बिल्कुल सेम वही रील हमारी एडिट हो चुकी है, ब्लर ऑटोमेटिक सब कुछ ऑटोमेटिक लग चुका है। और लास्ट में सैप का एक छोटा सा वाटर मार्क आता है, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है और यहाँ से ऊपर आपको गैलरी में सेव कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रेंड के साथ।